हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले जो है हमने एक्सप्लेन किया है आइडियल इंटीग्रेटर एंड आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट। अब हम आप लोगों को बताए थे कि आइडियल इंटीग्रेटर आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट का डिसएडवांटेज यह है कि लो फ्रीक्वेंसी पे इनस्टेबिलिटी है। यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी अगर इस R2 को अगर हटा दीजिए तो आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट हो जाएगा। अगर लो फ्रीक्वेंसी पे आप देखेंगे तो अगर इसका गेन कैलकुलेट करेंगे आउटपुट बाय इनपुट, तो लो फ्रीक्वेंसी पे अगर ओमेगा इक्वल टू जीरो पे तो इसका गेन इनफाइनाइट को टेंड कर देगा, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी पे तो ठीक है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे इसका गेन इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी इनस्टेबिलिटी के क्राइटेरिया में आता है। और दूसरी बात उसी को कहते हैं जो बुक की और टेक्निकल लैंग्वेज में रोल ऑफ इनस्टेबिलिटी, रोल ऑफ इनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो इसका डिसएडवांटेज था, उसको रिमूव करके या उसको दूर करके हम इसमें क्या किए, जो पैरेलल में कैपेसिटर था उसके हम जो कैपेसिटर लगा हुआ था फीडबैक में, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R2। इस R2 की वजह से अगर लो फ्रीक्वेंसी पे, अगर लो फ्रीक्वेंसी पे देखिए ओमेगा इक्वल टू जीरो पे, तो अगर कैपेसिटेंस क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट होगा, तो ये रेजिस्टेंस R2 एग्जिस्ट करेगा तो इसका गेन कुछ फाइनाइट आएगा। सिंपल एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन है वो फाइनाइट आएगा। वो गेन कितना होगा जो आप लोग यहाँ पे मैं अभी प्रूव करूंगा कि ए नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए टू बाई क्या आ जाएगा, आर वन, R2 by R1 आएगा। तो इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा कि अगर लो फ्रीक्वेंसी हम ये हाई फ्रीक्वेंसी पे दिक्कत थी, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या हाई लो फ्रीक्वेंसी इसमें दीजिए तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे इसमें दिक्कत है। तो ये दोनों को रिमूव करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे कैपेसिटर के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट कर दिए, तो ये दोनों सर्किट बन गई है, प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर सर्किट है और प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट फॉर प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर एंड प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट। और ये किस तरह बिहेव करता है, लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है, लो पास फिल्टर की तरह, और ये सॉरी ये हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करता है, हाई पास फिल्टर की तरह, और ये कहता है लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। आप कैसे देख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, आपको मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं कैसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी फिल्टर कैसे चेक कर सकते हैं, एक बार लो फ्रीक्वेंसी लीजिए, एक बार हाई फ्रीक्वेंसी लीजिए। तो लो फ्रीक्वेंसी लीजिए, अगर आउटपुट आपको मिल रहा है फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी लीजिए आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये मतलब लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा होगा। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी, एक बार देखिए, लो फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इक्वल टू जीरो लीजिए, आउटपुट अगर मिल रहा है, अगर एक बार हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट लीजिए, अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो लो पास फिल्टर है। जस्ट इसका अपोजिट अगर मिल रहा है तो इसके बाद क्या है, हाई पास फिल्टर है। अगर देखिए लो फ्रीक्वेंसी पे भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पे भी आउटपुट नहीं मिल रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, बैंड पास फिल्टर है। कौन सा बैंड पास फिल्टर है, जस्ट अपोजिट है, लो फ्रीक्वेंसी पे भी आउटपुट मिल रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब वो बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, ठीक है। तो ये किसी भी फिल्टर को, कोई भी सर्किट आपको पूछा जाए कि कौन सा फिल्टर है, आइडेंटिफाई करिए कि फिल्टर कौन सा है या ये सर्किट किस फिल्टर की तरह वर्क कर रही है, सिंपल सा मेथड है, ओमेगा इक्वल टू जीरो लीजिए, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे आउटपुट देखिए कि फाइनाइट आ रहा है कि इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है और कुछ आउटपुट मिल रहा है तो, और फिर ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट लीजिए, ठीक है, उस पे चेक करिए। तो दो इस तरह से आप फिल्टर का जो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, फिल्टर का आइडेंटिफिकेशन हमने ऑलरेडी सिंपल बता दिया आपको, ओमेगा इक्वल टू जीरो लीजिए, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ पे आप आराम से अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू अगर मैं जीरो लूं, ओमेगा इक्वल टू जीरो लूंगा तो एक्स सी इक्वल टू वन अपन ओमेगा सी, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा, जीरो, आउटपुट जीरो मिलेगा। तो आउटपुट जीरो मिल रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है,
हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है कि इस तरह भी हम कर रहे हैं हाई पास फिल्टर की तरह। यहाँ पे देखिए ये जो लो पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है, लो पास फिल्टर की तरह कैसे वर्क कर रहा है, अगर आप ओमेगा इक्वल टू जीरो लीजिए, ओमेगा इक्वल टू जीरो लेंगे तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पे ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि लो फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, और हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो इसलिए ये हाई पास फिल्टर हुआ, ये लो पास फिल्टर हुआ। तो ये दोनों का मेजर एप्लीकेशन आपको समझ में आया कि ये हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है और ये लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। तो हाई पास फिल्टर, ये हाई पास फिल्टर जो है ये लीड कंपनसेटर की तरह वर्क करता है, और ये यूज करते हैं हम लैग कंपनसेटर में। ये किसमें यूज करते हैं, लैग कंपनसेटर में। ये आप लोग कंट्रोल सिस्टम में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल सिस्टम में ये लीड कंपनसेटर का आखिर क्या यूज है और लैग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर का क्या यूज है एंड लैग कंपनसेटर का क्या यूज है। तो इसका मेजर एप्लीकेशन है वेवफॉर्म सिंथेसिस में, तो आई है कि अगर आपके यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव है, स्क्वायर वेव चाहिए तो ये लगा दीजिए, डिफरेंशिएटर सर्किट आपको स्क्वायर वेव मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव चाहिए तो यहाँ लगा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, आपको स्क्वायर ट्रायंगुलर वेव मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर वेव है, आपको इम्पल्स सिग्नल चाहिए, इम्पल्स सिग्नल चाहिए तो आप लगा दीजिए तो इम्पल्स मिल जाएगा। अब आइए इसकी वर्किंग हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट सब सेम कंडीशन है, ये बी प्लस इक्वल टू बी नेगेटिव, ये देखिए यहाँ तक सेम है, बी प्लस इक्वल टू बी नेगेटिव, इफ बी प्लस इक्वल टू जीरो वोल्ट देन बी नेगेटिव या बी इक्वल टू जीरो वोल्ट, ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। एट पॉइंट पी नोड एनालिसिस यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे भी सब सेम है। क्या चेंज है इस कैपेसिटर को, जैसे इस पूरे एलिमेंट को मैं एक जेड वन एलिमेंट ले लिया और इसको मैं ले लिया जेड टू एलिमेंट, तो जेड वन क्या हो जाएगा, आर वन प्लस वन अपान एस सी, बेसिकली मुझे लाप्लास में चेंज करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस आ गया, उसको सॉल्व करने के लिए मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन या गेन निकालना चाहता हूँ। तो ये देखिए मैं अप्लाई कर दिया बी इन माइनस बीपी डिवाइड बाई जेड वन, बी आउटपुट माइनस बीपी डिवाइड बाई जेड टू इक्वल टू जीरो, तो बी आउटपुट आ गया माइनस जेड टू बाई जेड वन इंटू बी इन, बी आउटपुट बाई बी इन इक्वल टू माइनस आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू वन अपॉन एस सी। आर देखो जेड टू इक्वल टू क्या है, आर टू। अगर आर टू को लाप्लास डोमेन में जेड लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर टू ही तो लिखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वन प्लस वन अपन एस सी, तो वन अपन एस सी रख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से मैं बना लिया। तो जो जनरल आपका लो हाई पास फिल्टर का जो गेन का वो होता है मॉडिफिकेशन, वो होता है ए नॉट डिवाइड बाई वन माइनस जे ओमेगा एच बाई ओमेगा, ठीक है। ओमेगा एच मतलब हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इन दोनों से कंपेरिजन करके आप हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर सी, ठीक है। और इसका जो मॉडिफाई या ये गेन ए नॉट है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टू बाई आर वन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आर टू बाई आर वन। अच्छा मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसके गेन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, आर टू एंड आर वन को इंक्रीज और डिक्रीज कर करके। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटर, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट में ये पूरे एलिमेंट को मैंने जेड टू ले लिया, ये पूरे एलिमेंट को मैंने जेड वन ले लिया, तो जेड वन तो आर वन ही रहेगा। देखिए जेड वन कहाँ है, जेड वन कहाँ है आपका, जेड वन इक्वल टू आर वन, और ये देखिए जेड वन क्या है, आर वन है, जेड टू क्या है, आर टू, आर टू पैरेलल टू वन अपॉन एस सी। तो इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लिया, इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला तो आर टू आया और ये आर टू एस सी प्लस ये आ जाएगा वन। अब देखिए मैंने क्या निकाला, सिंपल यहां से केसीएल या नोड एनालिसिस अप्लाई करके ये निकाल लिया बी आउटपुट बाई बी इनपुट माइनस जेड टू बाई जेड वन आ गया। तो मैं जेड टू की और जेड वन की वैल्यू रख दिया, पुट करने के बाद ये आ गया। और ये जनरल हाई लो पास फिल्टर का ये ट्रांसफर फंक्शन का वो होता है लो पास फिल्टर के लिए, ठीक है। और यहां से मैं लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लिया जो आर टू बाई आर टू वन अपॉन आर टू इंटू सी है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है एफ एल लो पास फिल्टर की, तो ये हो जाएगा, ये रेडियन में था, ये हर्ट्ज में हो जाएगा, टू पाई आर टू इंटू सी, ठीक है, 2 पाई आर टू इंटू सी। सिमिलरली यहाँ पे भी
अगर हाई पास फिल्टर की आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 1/2πR1C। अच्छा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आपका गेट टू में डायरेक्ट ये प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट दिया और बोला इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो जिन लोगों को बहुत अच्छा आइडिया है तो इसके पैरेलल में देखिए कैपेसिटर लगा है R2 एंड RC। ये देखिए ये चार्जिंग, इनका चार्जिंग कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट को यही डिफाइन करेंगे, यही आपका आपके इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/τ कर दोगे तो इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर के लिए 1ωL = 1/τ, टाउ क्या होगा R2 × C। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए इसी टाउ पे डिपेंड करेगा, ये टाउ किस पे डिपेंड करेगा R1 × C। तो यहाँ पे भी इसकी भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी R1 × C। तो जिन लोगों को बहुत अच्छा आइडिया है वो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो जिन लोगों को आइडिया नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका गेन निकालेंगे, गेन को आपको मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड को प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम गेन का 1/√2 लेंगे। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम का 1/√2 मिलेगा उस फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, क्लियर हो। तो मैं तो आपको सिंपल इस तरह से बता दिया और इससे जनरल ट्रांसफर फंक्शन से मैं आपको कंपेरिजन करके इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसका जो ओपन लूप गेन, जो फाइनाइट गेन है, जो आपका इनपुट गेन है, वो हमने R2/R1 वो रख दिया, ठीक है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं आप लोगों को प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट और प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर सर्किट समझ में आया, इन दोनों का एप्लीकेशन समझ में आया, वेवफॉर्म सिंथेसिस में होता है, फिल्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। इससे पहले हम जो पढ़े थे वो आइडियल इंटीग्रेटर एंड आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट पर। थैंक यू।